दोस्तों, वैसे तो हमारे पूरे भारत में बहुत सारे किले हैं, लेकिन अगर हम एक सुंदर, अनोखे और अद्भुत किले के बारे में बात करें जिसे आज तक कोई ना जीता जा सका, तो सबसे पहले हमारे मन में सिर्फ एक किले का नाम आता है जिसका नाम है आमेर का किला, जिसे आम्बेर का किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये अविश्वसनीय किला, जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो चलिए, आइए आप और हम मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस सुंदर से किले को, आमेर का फोर्ट। दोस्तों, आप आमेर का किला देखने के लिए पूरी दुनिया में कहीं से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जयपुर एयरपोर्ट मिल जाता है। वहीं अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको पूरे भारत में कहीं से भी जयपुर की कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप बस से आ रहे हैं तो बाय रोड भी आप किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस किले को देखने के लिए हमने खुद की ही व्हीकल ली है। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, और अगर आप स्कूटी से जाना चाहते हैं तो स्कूटी भी यहाँ पर रेंट से मिल जाती है आराम से। तो चलिए आगे चलते हैं इस किले को देखने के लिए। इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए हम पहुंचे वीकेंड में। वीकेंड में अक्सर यहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, कई बार तो आपको घंटों का सामना करना पड़ता है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको किले के एंट्री गेट तक पहुंचने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाएगा। हमें उम्मीद थी कि रास्ता जल्दी से मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा ट्रैफिक में रुक कर। अगर आप वीकेंड में आते हैं तो जितने जल्दी आएंगे सुबह मॉर्निंग में उतना अच्छा होगा। दोस्तों, इस किले तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं कि अगर आप उनकी शॉप में जाइए और कुछ खरीद लीजिए, किला 11 बजे ओपन होगा वगैरह वगैरह। तो अगर आप उनकी बातों पे ना आए तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले अगर आप किला देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले किले तक पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम होगी। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको क्राउड का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो सका, तो हमने डिसाइड किया कि हम पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को एक साइड में और चलते हैं पैदल ही किले के अंदर। वैसे तो किले में बहुत सारे गेट हैं एंटर होने के लिए, एक पीछे भी गेट है और एक सामने का भी गेट है। अगर आप पीछे की गेट से एंटर होना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है और आपको सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ से। साथ ही साथ हमने इस किले को और जानने के लिए एक गाइड हायर किया है। अगर आप गाइड लेते हैं तो दोस्तों आपको इस किले के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा कक्ष कहां पर बना है और इसे क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप कोई अच्छे से गाइड लेते हैं तो आपको इस किले के बारे में और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इस किले को और भी अंदर तरीके से जान पाएंगे। दोस्तों, बैक साइड से एंटर होते ही आपको सबसे पहले जगत शिरोमणि मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। ये काफ़ी अद्भुत और प्राचीन मंदिर है और ये आमेर फोर्ट के अंदर ही स्थित है। दोस्तों, अगर हम इस मंदिर के बारे में बात करें तो यह मंदिर राधा कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कराया गया था 599 से 1608 ईस्वी में राजा मानसिंह द्वारा। इस मंदिर में कई सारी कलाकृतियों का वर्णन किया गया है और यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन के साथ साथ काफ़ी अद्भुत भी है। इस मंदिर के सामने आपको गरुड़ जी की प्रतिमा, जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है, उनके दर्शन हो जाते हैं।
दोस्तों हम जिस गेट से एंटर हुए थे उस गेट को कहते हैं तोरण द्वार। आप देख सकते हैं ये जो गेट दिखाई दे रहा है इसे तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं किले के मेन गेट की तरफ। आपको यहाँ से थोड़ी दूर पैदल चल के जाना होता है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको इन सीढ़ियों के सहारे थोड़ा सा ऊपर चलना होता है। दोस्तों जो अभी अभी ये लाइन से गाड़ियां देख रहे हैं ये गाड़ियां ऊपर जाने के लिए गेट पर खड़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। लंबी लाइन होने के कारण दोस्तों हमने अपनी गाड़ी को नीचे ही पार्क कर दिया था, इसी कारण हमको पैदल ही ऊपर आना पड़ा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा जाम लगा है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं रावण हत्ता। ओके, जो रावण था उसने सीति को प्रसन्न करने के लिए इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था, जो बजा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सारा क्राउड है और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं इस किले को देखने के लिए। आप देख सकते हैं ये किला कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस किले को पूरे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अभी अपन इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में है। ओके, पहले इसमें टोटल चार कोर्टयार्ड है, चार आंगन बने हुए हैं। अभी अपन इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में है। इसका नाम है जलेब चौक। हाँ, जलेब एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है चौकोर या चोरस। तो ग्राउंड आप देखेंगे चौकोर बना हुआ है, यहाँ पे राजा की मिलिट्री परेड करा करते हैं। अच्छा, हाँ, स्क्वायर में बना हुआ है। यहाँ पे पहले गार्डन था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे गार्डन बना के स्टोर निकाला। पहले इसमें एंट्री के लिए दो मेन गेट है। ये सामने वाला जो गेट है उसका नाम है सन गेट। ये कौन सा गेट है? सूरज पोल। सूरज पोल, सूरज यानी सन, पोल यानी गेट। ओके, का नाम सन पोल है, जो बाय एलिफेंट बाय वॉक बाय VIP ये वाला जो उसी रस्ते से आता है, जो आम पब्लिक होती है वहीं से आती है। इस गेट का नाम है चांद पोल। चांद पोल, चांद यानी मून, पोल यानी गेट। ओके, तो ये जो है ये मून गेट है ना, और वो सामने है वो सन गेट है। ओके, इंडिकेट करता है, वो सन को इंडिकेट करता है, और ये जो गेट है ये मून को इंडिकेट करता है। आज की सुबह 8 से 11 बजे तक एलिफेंट राइडिंग होती है। दोस्तों यहाँ पर आप एलिफेंट राइडिंग कर सकते हैं, और यहाँ से ही एलिफेंट को लेकर आया जाता है। इसे सन गेट कहते हैं और इसे चांद गेट कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अंदर में भी स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाती है।
दोस्तों इस किले के अंदर जाने के लिए आपको टिकट कटाना होता है। अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं या तो फिर टिकट काउंटर से ले सकते हैं। हमारे साथ गाइड थे इसलिए हमें टिकट जल्दी से मिल गई और हम चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों किले में एंटर होने के लिए आपको दो द्वार दिखाई देते हैं। ये जो आपको सीढ़ियों का रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से राजा महाराजा ऊपर चढ़ा करते थे, और ये जो आपको रैंप वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से रानियाँ ऊपर जाया करती थी। दोस्तों रैंप वाला रास्ता बनाने का मुख्य कारण यह था कि जो रानी महारानी पुराने समय के होते थे वो काफ़ी आभूषण और गहने पहना करते थे, और जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा भारी भी हो जाते थे, इसीलिए उन्हें रैंप की सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, सीढ़ियों के सहारे उनसे चला नहीं जाता था, इसीलिए उनके लिए अलग से रैंप का रास्ता बनाया गया। तो इस मंदिर को क्यों बंद कर दिया गया? अभी 12 बजे बंद हो जाता है, शाम को 4 बजे खुलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह कितना अद्भुत और प्राचीन काली माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। प्राचीन समय में यहाँ पर राजाओं द्वारा नर की बलि दी जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पर बकरों की बलि दी जाती है। दोस्तों इस मंदिर को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था, बाद में पूरे किले को बनाया गया। दोस्तों ये जो गणेश जी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, ये मूंगा से बनाई गई है। मूंगा देखने के लिए नहीं मिलता है और ये प्राचीन समय में उस समय बनाई गई थी। थोड़े आगे चलते ही आप घुसते हैं किले के मेन गेट के अंदर। दोस्तों आपको यहाँ पर टिकट चेक करवानी होती है, टिकट चेक करवाते ही आप अंदर की ओर जा सकते हैं। दोस्तों ये जो आपको ताला दिखाई दे रहा है, ये 5,500 साल पुराना ताला है। जितना बड़ा ताला होता था उतनी ही बड़ी चाबी होती है। सामने जो आपको ये गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट को लॉक कर दिया जाता है और ये जो गेट है ये खुला रहता है। अब दोस्तों यहां से इस किले के नज़ारे को देखिए, आप वाकई में सब कुछ भूल जाएंगे। इस किले की सुंदरता का वर्णन जितना शब्दों में करें उतना ही कम है। इसी के लेफ्ट साइड में यहाँ से पूरा का पूरा कंपाउंड नजर आता है। ये जो आपको सामने कक्ष दिखाई दे रहा है, इसे दीवाने आम कहा जाता है। यहाँ पर आम लोगों की सुनवाई राजा सुनते थे। ये टोटल 48 पिल्लरों पर टिका हुआ है, जिसे बनाया गया है बलुआ पत्थरों से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बारीक तरीके से कलाकारी की गई है। एक एक पिल्लरों को जोड़ के ये दीवाने आम बनाया गया है, और यहाँ पर जो कलाकारी की है वाकई में अद्भुत है। दोस्तों यह किला सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में ओपन रहता है। अगर आप यहाँ पर हाथी की सवारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 9:30 बजे से 1 बजे के बीच में हाथी की सवारी कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर आपको हिंदी लाइट शो का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि 8 बजे से चालू होता है शाम को, और अंग्रेजी लाइट शो यहाँ पर 7:30 बजे ओपन होता है। अगर हम इस किले की टिकट की प्राइस के बारे में बात करें तो आपको अगर भारतीय हैं तो आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज देना पड़ता है। वहीं फॉरेनरों को यहाँ पर 550 तक का रुपीस पे करनी पड़ती है।
दोस्तों अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसे 27 कचहरी कहते हैं। यहाँ पर 27 स्टेट के हिसाब से अलग अलग ऑफिस बनाए गए थे जहाँ पर सारा लेन देन किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग खंड बनाए गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना सुंदर ऑफिस बनाया गया है और ऐसा ऑफिस देख के लगता है कि आज के समय में ऐसा ऑफिस होता तो कैसा लगता। इसी के साथ दोस्तों यहाँ की खिड़कियों से आपको एक बेहतरीन सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। जब आप यहाँ से खड़े होकर इस नज़ारे को देखेंगे तो वाकई में आपका दिल यहाँ से जाने को नहीं करेगा। दोस्तों आप जो ये लेक देख रहे हैं इसे माउथा लेक के नाम से जाना जाता है और इसके बीच में आपको एक सुंदर सा गार्डन भी देखने के लिए मिलता है। यह गार्डन बनवाया था मानसी ने। मानसी चाहते थे कि यहाँ वो केसर की खेती करें। उन्होंने केसर लाया था कश्मीर से और वो यहाँ पर उगाना चाहते थे, लेकिन केसर ठंडे ही इलाकों में ही उगता था। इसी कारण उन्होंने ठंडा करने के लिए आजू बाजू लेक का निर्माण करा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर केसर उग नहीं पाया दोस्तों, तो ये गार्डन एक सुंदर सा गार्डन बन के ही रह गया। वैसे तो ये गार्डन केसर बाग के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम भी थोड़ा यहाँ खड़े होकर एक सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस किले में अलग अलग जगह पर हर सेक्टर पर ऑडियो गाइड बना दिया गया है। अगर आपने कोई भी गाइड हायर नहीं किया है और आपको किसी जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट में जाकर इस क्रमांक का बटन प्ले करके इनकी बारे में जान सकते हैं। दोस्तों जो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला गीजर है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है कि ये जो आपको दोनों होल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आग जलाया करते थे और ये जो ऊपर पूरा गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है ये टैंक हुआ करता था जिसमें पानी भरा हुआ होता था और इन पानी को गर्म करके अंदर के साइड पहुँचाया जाता था। दोस्तों अभी जो हम ये देख रहे हैं ये बाहर का एरिया है, अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। दोस्तों यहाँ देखिए डायमंड के शेप में यहाँ पर डिजाइन बनाई गई है और ये पुराने समय में वहाँ का चेंजिंग रूम हुआ करता था। इस विंडो से सनबाथ लिया जाता था और साथ ही यहाँ से सुंदर सा नज़ारा भी देखने के लिए मिल जाता था। दोस्तों ये है उस जमाने का स्विमिंग पूल जहाँ पर रानियों को नहलाया जाता था।
इस दरवाजे के पीछे टॉयलेट बनाया गया है। और अगर हम इस महल की बात करें तो इस महल में लगभग 99 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉयलेट्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग यहाँ पर गंदा कर देते थे जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी हो जाती थी, इसी कारण इन टॉयलेट्स को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक टॉयलेट देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये उस ज़माने में टॉयलेट ऐसे हुआ करते थे। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इस किले को घूमने के लिए आपको एक पर्याप्त समय चाहिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा टाइम निकाल के यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि यह किला काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर किले में घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा समय भी हो जाएगा। अच्छा, मेन एंट्रेंस गेट है ये दीवानी खास है ना, उसका मेन एंट्रेंस गेट है। अच्छा, ये गेट अंदर क्या बना हुआ है? इस गेट का नाम है गणेश पुल। गणेश पुल हिंदुओं में जो फर्स्ट गॉड होते हैं बड़ा होते पूरे। अच्छा, गणेश जी की तस्वीर बनी है ना। पेंटिंग आपको दिख रही है नेचुरल पेंटिंग, 350 साल पुरानी पेंटिंग। 350 साल पुरानी ऊपर में आपको ये जो छोटी सी खिड़की दिखाई दे रही है उस टाइम पे महारानी राजाओं का स्वागत करती थी जब वो जंग जीत के आते थे। वहाँ पर मर्दों का जाना अलाउ नहीं होता था, इसलिए ये सबसे ऊपर बनाई गई है। ये जो आपको खिड़की की जालियाँ दिखाई दे रही है, इन खिड़कियों के जालियों में एक ख़ास बात है क्योंकि ये जालियाँ आप अंदर से देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये जो जालियाँ हैं इन्हें मुग़ल आर्ट और हिंदू आर्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। दोस्तों अब जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं ये ओरिजिनल कलर से बनाई गई है और यहाँ पर जो आपको गोल्डन दिखाई दे रहा है ये है 24 कैरेट का ओरिजिनल गोल्ड। वैसे तो दोस्तों इस पेंटिंग को देख के लगता है कि किसी सांचे द्वारा बनाई गई हो या किसी मशीन से बनाया हो, लेकिन ताजिब की बात है कि उस समय में ऐसे कोई भी उपकरण नहीं होते थे और इतने एक्यूरेसी से बनाना, इतने अच्छे से दिखाई देना, बाकी में इसके बारे में क्या कहा जाए आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दीवाने खास के अंदर एंटर होते ही आपको एक सुंदर सा सामने गार्डन देखने के लिए मिलता है और उसी के सामने आपको सीस महल भी देखने के लिए मिलता है। दोस्तों जो अभी आप ये एरिया देख रहे हैं इसे कहते हैं सीस महल। इस सीस महल में चारों तरफ कांच के टुकड़ों को लगाकर यहाँ पर बनाया गया है और इस सीस महल को अभी फ़िलहाल में बंद कर दिया गया है। आप इस सीस महल के अंदर नहीं जाके देख सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे इन सीस महल में डैमेज कर देते थे जो यहाँ पर कांच लगी हुई होती थी, तो इसी कारण ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस सीस महल को बंद कर दिया जाए। लेकिन आप इस सीस महल को बाहर से देख सकते हैं। वाकई में दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत जगह है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, यह इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है, वाकई में चमत्कारी जैसा लगता है। दोस्तों इस सीस महल की खासियत यह है कि अगर आप किसी भी शीशे में कोई भी लाइट मारते हैं, कोई भी अगर प्रकाश पड़ता है तो यह प्रकाश चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये जो महल है चारों तरफ से जगमगाने लगता है।
ये जितने भी कांच है दोस्तों, इन कांच को बेल्जियम से एक्सपोर्ट करके लाया गया था और यहाँ पर लगाया गया था। और ये जो आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो पिलर हैं वो मार्बल से बने हुए हैं, जिन्हें इटली से एक्सपोर्ट किया गया था। इसे चिकना करने के लिए नारियल की जो बूच होती है, उस बूच से यहाँ पर रगड़ रगड़ के इसे चिकना किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये जो शीशा दिखाई दे रहा है, इस शीशे के अगर आप सामने खड़े होते हैं तो आपको राइट साइड में खड़े होकर अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो आपकी जो फ़ोटो है बिल्कुल वो सामने दिखाई देगी। अगर आप लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं तो वो जो फ़ोटो है वो लेफ्ट साइड से ही आपको एक सामने दिखाई देती है। मतलब दोस्तों ये है कि ये जो मिरर है वो बिल्कुल अलग ही प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वही महल है जहां पर मुगले आजम फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों जो अभी जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, यह है महल का एग्जिट एरिया। वहीं सामने आपको दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन इन कढ़ाइयों को अभी ही रखा गया है। जब फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी तो उन्हें जब ये कढ़ाइयाँ लग रही थी तो उन्होंने खुद ही बनाकर यहाँ पर रख दिया शोकेस के लिए। आप नीचे जाके इन कढ़ाइयों को और भी पास से देख सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। ये जो आपको मिट्टी का बर्तन दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी हजारों साल पुराना मटका है। इन मटके में पानी को स्टोर किया जाता था जो काफ़ी देर तक ठंडा भी रह सकता था। यहाँ पर जो आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, 12 राशियों के हिसाब से यहाँ पर 12 पेंटिंग बनाई गई है। दोस्तों ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। जितनी भी महारानियाँ होती थी वो यहाँ पर एकत्रित होकर सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये महारानियों के गहने रखने के लिए काम में आते थे। इनका जो वेट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। हमने इसे उठाने का भी ट्राई किया लेकिन ये उठ नहीं पाया। दोस्तों ये जो सामने आपको पुराने मकान दिखाई दे रहे हैं, यह है जोधा का मायका। यहीं पर राजकुमारी जोधा रहा करती थी और यहीं पर उनका विवाह हुआ था अकबर से। दोस्तों इस किले की रक्षा के लिए इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई है। ये जो वॉल है वो काफ़ी लंबी है जिससे इस किले की रक्षा हो सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम एग्जिट की तरफ और जाते जाते कुछ सुनहरे लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए चलते हैं। वैसे तो दोस्तों आमेर फोर्ट का किला वाकई में अद्भुत किला है।
आप इसके बारे में जितना जानेंगे आपको उतना ही रोमांचक लगने लगेगा। इस किले को जानने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये किला भा जाएगा। मेरा दावा है कि ये आपको वीडियो भी पसंद आने वाला है। अगर आप हिस्ट्री में रुचि रखते हैं और जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस किले को देखना ना भूलिएगा। दोस्तों ट्रैवल डायरी के राजस्थान सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जयपुर की किसी नए लोकेशन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।